हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बिल्कुल ठीक स्वस्थ होंगे और अपने एनडीए की तैयारी में बिल्कुल अच्छे तरीके से जुट चुके होंगे, क्योंकि इस बार आप सभी लोगों को एनडीए 2 का जो एग्ज़ाम है वो बिल्कुल क्रैक करना है। और मैं अपने डियर स्टूडेंट को एक बात बताना चाहता हूँ कि आप लोग अभी बेकार की चीज़ें ना पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हीं चीज़ों को रिवाइज करें जो हम लोगों ने क्लास में आप लोगों को कराया है। और इसके अलावा आप लोगों को केवल और केवल PYQ अटेंड करना है। यदि कुछ नहीं हो सकता तो कम से कम 5 सालों के PYQ को जरूर अटेंड करें। तो एक मैं आप लोग NDA 1 का 2022 का जो हुआ था वो PYQ में आप लोगों को करवा चुका हूं, और आज दूसरी PYQ में आप लोगों को दे रहा हूं NDA 2 का ही है, बट 2021 का है। एक बात आप सभी लोग याद रखना कि PYQ से आपके 60-70% बन जाते हैं। 60-70% इसी PYQ से बनेगा, इस बातों को आप सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो चले बिना समय गवाए हम अपने इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। बट यदि आप सभी बच्चे मेरे इस नए सेशन से जुड़े हुए होंगे तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग द डेंसिटी ऑफ वाटर एंड एटमोस्फेरिक प्रेशर। अब आप सभी लोगों को पता है कि हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर यदि 1 ATM होता है तो 1 ATM पर वाटर की डेंसिटी जो मैक्सिमम होती है, H2O की जो मैक्सिमम डेंसिटी होती है, ये मैक्सिमम डेंसिटी कितनी 4 डिग्री सेल्सियस पर हो जाती है। तो यहाँ ऑप्शन में देखते हैं, डेंसिटी ऑफ द वाटर 4 डिग्री सेल्सियस 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, डेंसिटी ऑफ द वाटर 0 डिग्री सेल्सियस, ये रॉन्ग है, एंड डेंसिटी ऑफ द वाटर 0 डिग्री सेल्सियस 100 किलोग्राम, ये भी रॉन्ग है और ये भी रॉन्ग है। क्योंकि हमें पता है कि वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होने का मतलब होता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी है, और ये तब होती है जब वाटर 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। इसलिए इसका ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बिल्कुल वैज्ञानिक साइंटिस्ट हैं और उनकी डिस्कवरी से रिलेटेड पूछा गया है। क्वेश्चन ये कहता है कि इनमें से वो ऑप्शन चूज करो जो बिल्कुल राइट करेक्ट मैचिंग है। तो जेम्स चैडविक ने क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को खोजा है, बोलना बिल्कुल नहीं। चैडविक साहब ने किसको खोजा है, तो मैंने ईंट पर नाचे आपको बताया था, और चैडविक का नाम आता है चे, तो चैडविक ने किसकी, तो याद रखना न्यूट्रॉन की खोज की थी, इसलिए ये बिल्कुल गलत है। एल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या न्यूट्रॉन की, नहीं न्यूट्रॉन की तो चैडविक ने खोज की थी, इसलिए ये भी रॉन्ग है। मैरी क्यूरी ने क्या रेडियम की खोज की, बिल्कुल सही, मैडम क्यूरी ने रेडियम और पोलोशियम ये दो नाम तत्व की खोज की, जिसके लिए उन्हें 1903 में नोबेल का पुरस्कार भी दिया गया है। तो इसका ऑप्शन 3 केवल ओनली 3 ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द हाइपोब्रोमस एसिड। इसको रटना पड़ेगा, HBRO ये इसका फॉर्मूला है, हाइपोब्रोमस एसिड। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, इसके में आ रहा है ये वाला आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, हाइपोब्रोमस एसिड। कैसा, हाइपोब्रोमस एसिड, और हाइपोब्रोमस एसिड एक ऐसा एसिड है जिसे हम बोलेंगे इनऑर्गेनिक एसिड। कई बार वो ये पूछ देगा इनमें से कौन सा इनऑर्गेनिक एसिड है, तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वायुमंडल में गैसों का संयोजन क्या है, वायुमंडल का मतलब है आइनोस्फीयर। आइनोस्फीयर वो है जहाँ से हमारी पृथ्वी का वायुमंडल पूर्णतः समाप्त हो जाता है, और पृथ्वी के वायुमंडल में होने वाली कोई भी गैस वहाँ पर नहीं पाई जाती है। लेकिन वहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में दो ही गैस पाई जाती है, एक हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन से मिलकर जो दूसरी गैस बनती है उसका नाम है हीलियम। तो हमारा हाइड्रोजन और हीलियम यानी ऑप्शन ए जो है वो इसका बिल्कुल उचित आंसर रहने वाला है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज एज अ रॉ मटेरियल इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास। ये कहता है कांच के निर्माण में इनमें से कौन सा रॉ मटेरियल कच्चे सामग्री के रूप में यूज नहीं किया जा सकता। तो आपको पता है, मैं एक बात बता दूं कि रॉ ग्लास का फॉर्मूला क्या होता है। तो ग्लास का फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड एल, या आप सीधा मैं ऐसे लिख देता हूं, M2O डॉट M-O और 6SiO2। अब आपको पता है ये जो 2 है ये हमारा मोनोवेलेंट हो जाएगा, और ये जो है हमारा ये हमारा डाइवेलेंट हो जाएगा, ये मोनोवेलेंट हो जाएगा और ये हमारा डाइवेलेंट हो जाएगा, जिसके बिहार पर हम कह सकते हैं सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड, और यहाँ कह सकते हैं हम किसमें सोडियम मैग्नीशियम ऑक्साइड या सोडियम और कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड डॉट 6SiO2 इसका फार्मूला बन सकता है। तो सोडा का मतलब है सोडियम, ये बिल्कुल सही राइट आंसर है। एल्यूमिनियम भी इसके अंदर यूज होता है, बोरेक्स भी इसके अंदर यूज होता है, बट जिप्सम इसके अंदर यूज़ नहीं होता। जिप्सम किस में यूज होता है, सीमेंट में यूज होता है।
इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो बिल्कुल डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 59। इन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ द कॉपर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, ये कहता है कि विद्युत का चालन इनमें से किस सॉल्यूशन में होगा। तो मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन वो जो सॉल्यूशन होते हैं वो एसिडिक भी हो सकता है और बेसिक भी हो सकता है। एसिडिफाइड कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड का कोई सॉल्यूशन नहीं होता तो ये गलत है। एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट, ये बिल्कुल सही है। अभी पोटेशियम क्लोराइड का ये भी रॉन्ग है और सोडियम सल्फेट का ये भी रॉन्ग है। तो हमारा ऑप्शन बी सही आंसर रहेगा, अम्लीकृत कॉपर सल्फेट में विद्युत का चालन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है सोल्डर। सोल्डर का आपको पता है जो इलेक्ट्रिकल वायर होती है, इलेक्ट्रिकल वायर को सोल्ड करने के लिए, इस इलेक्ट्रिकल वायर को सोल्ड करने के लिए मटेरियल यूज करते हैं सोल्डर। तो उस सोल्डर में आपको मैं बता दूं, दो मिश्र धातुएं मिली होती है, एक होता है लेड और दूसरा होता है टीन। कहां है लेड और टीन? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, PbNSn। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डाई हाइड्रोजन इज नॉट करेक्ट, ये नहीं बताना कौन सा करेक्ट है, बताना है नॉट करेक्ट। ये कहता है हाइड्रोजन इज लाइटर देन एयर एंड इन सोल्यूबल इन वाटर, या हाइड्रोजन इज लाइटर देन एयर एंड इन सोल्यूबल इन वाटर, ये गलत है क्योंकि वाटर के अंदर तो वो सोल्यूबल है, इन सोल्यूबल होता तो पानी कभी भी याद रखना H2O से मिलकर नहीं बना होता क्योंकि फार्मूला होता है H2O। दूसरा हम देखते हैं कि हाइड्रोजन इज इनर्ट एज अ रूम टेम्परेचर ड्यू टू द हाई, नॉट करेक्ट, ये बिल्कुल सही है। मतलब यहाँ के अकॉर्डिंग ये क्या है, सही है, ये इनसॉल्यूबल इन वाटर। दूसरा है H2 इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्ड डिसोसिएशन, बिल्कुल सही। H2 रिएक्ट विद एल्किलाई मेटल एंड हाई टेम्परेचर विद मेटेलिक हाइड्राइड, बिल्कुल सही है। अ मिक्सर ऑफ NO2 एंड H2 इज नोन एज सिन गैस, ये ऑप्शन गलत है क्योंकि आपको पता है सिन गैस का मतलब होता है क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस में H2O को बोलते हैं सिन गैस, इसको बोला जाता है सिन गैस। तो ये ऑप्शन गलत है, बाकी सारे ऑप्शन सही है और इसने ये बोला है कि कौन सा ऑप्शन इसके अंदर गलत है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी जो यहाँ पर सही रहेगा। एक बात याद रखना, ये UPSC लेवल का एग्जाम है तो आपसे ये अधिकतर क्वेश्चन नहीं पूछेगा इनमें से कौन सा आंसर सही होगा, वो ये क्वेश्चन पूछेगा अधिकतर इनमें से कौन सा आंसर गलत होगा। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट एलिमेंट हैज द सेम वैलेंसी, इनमें से आपको बताने किसकी वैलेंसी सेम होती है। तो सोडियम की वैलेंसी होती है +1, मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है +2, कैल्शियम की वैलेंसी होती है +2, तो ये रॉन्ग है, अलग है इसका। सोडियम की वैलेंसी होती है +1, मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है +2, एल्युमिनियम की वैलेंसी होती है +3, तो ये भी गलत हो गया। मैग्नीशियम की वैलेंसी होगी +2, कैल्शियम की वैलेंसी होगी +2 और पोटेशियम की वैलेंसी होगी +1, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। अगला, मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2+, कैल्शियम की वैलेंसी भी होती है 2+ और बेरियम की वैलेंसी भी होती है 2+, तो इन तीनों की वैलेंसी सेम है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इट मीन्स बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। ये कहता है कि यूनिवर्स का सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर कितना हो सकता है, तो यूनिवर्स का लोवेस्ट टेम्परेचर हो सकता है 0 केल्विन, या इसी को हम बोलते हैं -273 डिग्री सेल्सियस। कहाँ नजर आ रहा है? ऑप्शन डी में, इसलिए हमारा ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूमेरिकली 2 थर्मोमीटर, 1 इज द फॉरनहाइट स्केल एंड द अनदर इज द सेल्सियस स्केल। ये कहता है 2 थर्मामीटर इसके लिए, एक सेल्सियस और दूसरा फॉरनहाइट, तो इन दोनों में कब रीडिंग सेम आएगी? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, मैं सीधा से रिलेशन आपको बता देता हूँ। सेल्सियस की वैल्यू 0 और इसके टुकड़े कितने होते हैं 100, फॉरनहाइट की मिनिमम सबसे 32 और इसके टुकड़े कितने होते हैं 180। अब सेल्सियस की जगह पर या तो फॉरनहाइट रख देना या फॉरनहाइट की जगह पर सेल्सियस, तो आपका जो सेल आंसर निकल कर आएगा वो आएगा -40 डिग्री। तो -40 डिग्री हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। ये रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द क्लींजिंग एक्शन ऑफ द सोप, आपको पता है किसी भी साबुन के अंदर जो क्लींजिंग प्रोसेस होती है वो मिसेल्स के निर्माण के कारण से होती है, और मिसेल्स वो होता है जो तेल को कपड़े से बिल्कुल सेपरेट कर देता है, अलग कर देता है। लेकिन ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा गलत है, ये आपको बताना है। द ऑयल एंड डर्ट गेट कलेक्टेड इन द सेंटर ऑफ द मिसेल्स, बिल्कुल सही है। मिसेल जो होता है वो तेल को सेंटर में कलेक्ट कर देता है, जिसके कारण से पानी डालते ही
तेल जो होता है वो अलग हो जाता है और कपड़े जो होते हैं उसे साफ हो जाते हैं। सोप मिसल्स स्कैटरलाइट, बिल्कुल सोप मिसल्स जो होते हैं उनके पार्टिकल का साइज नैनोमीटर से बड़ा होता है, इसलिए वो लाइट की रेज को स्कैटर करते हैं, यानी ये टिंडल के प्रभाव को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सोप आर अमोनियम सॉल्ट ऑफ द लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोप जो होते हैं वो अमोनियम सॉल्ट के लॉन्ग चेन के कार्बोक्सिलिक एसिड होते नहीं, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज द डिटर्जेंट, ये डिटर्जेंट होते हैं, ये डिटर्जेंट की प्रॉपर्टी है, लेकिन ये कह रहा है सोप की, तो ये हमारा आंसर गलत है। सोप फॉर्म इनसोल्युबल पार्टिसिपेट विद द कैल्शियम मैग्नीशियम आयन इज हार्ड वाटर, ये सही है, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही आंसर है, क्योंकि ये ही इसका रॉन्ग आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल्स ऑयल विच निकल कैटेलिस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है, तो आपको पता है कि ये हमारा कार्बन है और इसके पास जब हम दो एल्काइल ग्रुप को इसमें जोड़ते हैं आर 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 आर, और आपको पता है कि जब इसके अंदर हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं और निकिल या पैलेडियम कैटेलिस्ट की उपस्थिति में, ये हमारा कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड पर तैयार हो जाता है, कौन से बॉन्ड पर, सिंगल बॉन्ड पर तैयार हो जाता है। दो एल्काइल ग्रुप आप इसको इधर जोड़ोगे, एक आप इधर जोड़ोगे और एक आप इधर जोड़ोगे, तो एक बात बताओ आपने इसके अंदर इसको ऐड किया है, क्या किया है, ऐड किया है, इसलिए इसको बोलेंगे एडिशन रिएक्शन, संकलन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट रिजल्ट इन द इवोल्यूशन ऑफ गैस, ये कहता है कि इनमें से वो कौन सा ऐसा कंडीशन है जिसमें गैस का इवोल्यूशन नहीं होगा। रिएक्शन ऑफ द जिंक मेटल एंड सल्फ्यूरिक एसिड, तो कभी भी मेटल यदि किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो डेफिनेटली वो हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा सही है। मिक्सिंग वाटर ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, अब आपको पता है कि जब मिक्सिंग ऑफ वाटर, वाटर को प्लास्टर ऑफ पेरिस में मिक्स करते हैं तो क्या वो कोई गैस रिलीज करेगा, बिल्कुल रिलीज करेगा। अगला दें हीटिंग जिंक मेटल विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी ये अभी रिलीज नहीं करेगा, देखते हैं पहले, हीटिंग जिंक मेटल विद सोडियम हाइड्रोक्साइड ये रिलीज करेगा, क्योंकि यदि किसी नॉन मेटल के साथ भी यदि एसिड को, बेस को यदि किसी मेटल के साथ मिक्स कर दें तो भी ये हाइड्रोजन गैस और प्लस में सॉल्ट रिलीज करेगा। रिएक्शन ऑफ पोटेशियम मेटल एंड वाटर, ये भी हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। तो याद रखें मैग्नीशियम वाटर को प्लास्टर ऑफ पेरिस में, कहता है मिक्सिंग ऑफ वाटर टू प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर को यदि हम मिक्स कर देते हैं तो क्या उसके अंदर से कोई हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, बिल्कुल नहीं, तो ये ऑप्शन गलत है, इसलिए ये ऑप्शन ही हमारा बिल्कुल सही रहेगा बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन टोमेटो, टमाटर में कौन सा एसिड होता है, तो टमाटर में होता है ऑक्जेलिक एसिड, और टमाटर के अलावा एक और बात मैं बता दूँ, पालक के अंदर भी पाया जाता है ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रदरफोर्ड अल्फा स्केटिंग प्रक्रियन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष नहीं निकलता, अब रदरफोर्ड ने यह बताया था कि परमाणु अधिकांश स्थान पर रिक्त है, बिल्कुल सही, क्योंकि यदि वो रिक्त नहीं होते तो अल्फा पार्टिकल जो होते हैं वो सीधे नहीं निकलते, वो जरूर डाइवर्ट होते। परमाणु की त्रिज्या नाभिक की त्रिज्या का लगभग 10-15 गुना होता है, बिल्कुल सही, ये भी बिल्कुल सही कह रहा है, 1,00,000 गुना। इलेक्ट्रिक स्थिर ऊर्जा के विद्युत परिपथ पर गति करते हैं जिससे कक्षा का ऑर्बिट कहते हैं, ये गलत है, परमाणु का संपूर्ण संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है, बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर रॉन्ग को चूज करने के लिए बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, रिएक्शन ऑफ द क्विक लाइम विद द वाटर, अब आपको क्विक लाइम का मतलब होता है CaO, और यदि हमने इसके अंदर मिक्स कर दिया पानी को तो आपको पता है ये बन जाएगा CaOH होल ट्वाइस, और प्लस में बहुत सारी मात्रा में क्या प्रोडक्शन करता है, हीट का, तो जिस रिएक्शन के अंदर हीट स्वतः रिलीज होती है उस रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सा है, ऑप्शन डी उष्माक्षेपी अभिक्रिया, ये बिल्कुल राइट और सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोमास, ये कह रहा है कि बायोमास कौन सा है, बायोमास का मतलब जो लिविंग सोर्स से प्राप्त होते हैं, तो वुड लिविंग सोर्स से प्राप्त होता है, तो यही सही है, न्यूक्लियर पावर लिविंग सोर्स से प्राप्त नहीं होती, तो ये गलत है, गोबर गैस भी लिविंग सोर्स से प्राप्त होता है तो सही है, कोल भी लिविंग से प्राप्त होता है तो ये सही है, इसका मतलब हमारा राइट आंसर होगा नाभिकीय रिएक्टर। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं,
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, प्रश्न संख्या 100, जो शायद ये अंतिम प्रश्न है। ये कहते हैं कॉमन सॉल्ट NaCl इज नॉट यूज एज अ रॉ मटेरियल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, किस कंपाउंड में NaCl का प्रयोग नहीं किया जाता। तो पहले इसका मैं फार्मूला लिखता हूँ, उसी पता चलेगा। ब्लीचिंग फार्मूला का फार्मूला था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सॉरी ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं होता, ये तो वास्तव में बेकिंग सोडा का फार्मूला होता है। किसका? बेकिंग सोडा का। तो ब्लीचिंग पाउडर का CaOCl2, बेकिंग सोडा का सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और प्लास्टर ऑफ पेरिस का कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, और यदि बात करें वाशिंग सोडा का तो सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। अब एक बात बताओ, क्या इसमें सोडियम है, क्या इसमें सोडियम है नहीं, क्या इसमें क्लोरीन है, है। तो इसका मतलब इसमें रॉ मटेरियल में यूज़ किया जाता है, इसमें भी यूज़ किया जाएगा। इसमें ना तो कहीं सोडियम आ रहा है और ना ही इसके अंदर कहीं क्लोरीन आ रहा है, इसका मतलब इसमें तो यूज़ किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि सोडियम क्लोरीन तो प्रोडक्ट में दिखाई नहीं दे रहा और वाशिंग सोडा में सोडियम दिखाई दे रहा है, तो यहाँ यूज़ हो रहा है। इसलिए हमारा यहाँ पर ऑप्शन जो सही होगा वो प्लास्टर ऑफ पेरिस वाला सही होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए तो यही था हमारा अंतिम प्रश्न, और इस अंतिम प्रश्न के साथ आज के सेशन को हम यहीं पर एंड करते हैं। फिर जल्द ही नए सेशन को आपके सामने लेकर आएंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को अपने दोस्तों के पास शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें कि आप लोगों को इस सेशन में और क्या चाहिए और क्या इस सेशन के अंदर आपको मज़ा आया या नहीं आया। ठीक है, तो चलिए बच्चे, सभी लोगों को जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।